अमेरिका चीन की कंपनी के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे के खिलाफ पहले इसकी अमेरिकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था और अब इसकी भारतीय सब्सिडरी हुआवे इंडिया सहित सभी विदेशी सब्सिडरी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हुआवे भरोसा करने लायक कंपनी नहीं है और ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक उपकरण है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने साल 2019 में हुआवे पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका ने मंगलवार को प्रतिबंध की विदेश कंपनियों की एंटिटी सूची जारी की, जिसमें हुआवे इंडिया को भी शामिल कर लिया। अमेरिकी सरकार चाहती है कि चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे किसी भी तरह से अमेरिका में कारोबार न कर पाए। हाल फिलहाल में ट्रंप के प्रशासन ने हाल के महीनों में हुआवे के खिलाफ सख्ती बढ़ाई है। अमेरिका में हुआवे के कारोबार करने पर पूरी तरह से रोक है। हुआवे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मशहूर है, लेकिन इस पर अमेरिका का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अपने हितों को साधने के लिए इस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूची में हुआवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। अमेरिका के जस्टिस विभाग ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि हुआवे अमेरिकी टेक्नोलॉजी की चोरी करती रही और उसने ईरान की मदद की, जिस पर की प्रतिबंध लगाया गया है। श्वेता चौहान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।